हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लखनीज व्लॉग्स। व्लॉग रात के टाइम इसलिए शुरू हो रहा है क्योंकि आज सरप्राइज़ देना है मुझे नीतू को, वैलेंटाइंस डे का 14th February है। यहाँ से आज दिन में भी बहुत कुछ हुआ, वो आपको कल वाले व्लॉग में देखने को मिलेगा। इसको मैं पहले डाल रहा हूँ और नीतू के लिए मैंने सरप्राइज़ प्लान करा है वैलेंटाइंस वाले दिन। कैन यू इमेजिन, मैंने किया है, मैंने। मतलब नीतू मुझे बदनाम करती है ना कि मैं कभी कुछ नहीं करता, ऐसा नहीं है। आज वो सारी चीज़ें बदल जाएंगी। लेकिन दोस्तों एक दिक्कत हो गई है, मैंने नीतू के लिए सेटअप लगाया वहाँ पर, आप देख सकते हो, पास जाके दिखाते हो एक बार। तो यहाँ पर ये पूरा सेटअप तैयार कर रहा है, रिया अभी भी हेल्प कर रही है और रिया ने यहाँ पे हार्ट बनाया बड़ा प्यारा सा। इस बार नीतू नहीं बोलेगी कि कुछ नहीं होता, क्या है ये, मैरी मी, सुंदर लगेगा ना। लेकिन एक दिक्कत पता क्या हो गई है, इसमें लाइट्स जलने वाली थी और वो लाइट्स फ्यूज हो गई है। ओ चूना लगा दिया। ये किसने किया फ्यूज रिया? ये भैया जलाते वक्त खुद ही फ्यूज हो गई। अब यार पता नहीं ना, ऐसा भी नहीं कि इसको कल से लगा के हम रख लें और फिर चेक करें क्योंकि सरप्राइज देना है। तो अब पता चला कि इसके बल्ब फ्यूज है। अब जैसे तैसे हमने जुगाड़ करा है कि एक बार तो चल जाएंगे। नहीं तो अभी घर पर नहीं, अभी तक आई नहीं है, वो आप कल के व्लॉग में देखोगे वो कहाँ गई हुई है। उससे पहले पहले मैं चाहता हूँ सब चीजें रेडी हो जाए। अब ऐसे आप देख सकते हो जल गया है। ठीक है ठीक है तुषार, पहले खराब कर दिया गया फिर उसी काम को अच्छा करके और हीरो बन जाया कर, बहुत बढ़िया। आजा। मैंने खराब नहीं किया था। किसने खराब किया था ये? अरे सही जल रहा था, फिर इसका एक बल्ब बंद हुआ, फिर हमारा अनिकेत भाई ने सोचा सही करता हूँ। ये भी मेरी गलती है। अच्छा छूके देखा था एक तो हमारे पास पूरी इंजीनियर्स की टीम है यहाँ पर, बिना डिग्री के इंजीनियर है लोग, पर अच्छा लग रहा है, नीतू को पसंद आएगा। तो अभी अभी बेल बजे, नीतू भी आ गई, नीतू को आने देते हैं। नीतू को अभी तक लग रहा है ये सेटअप जो हमने गुची के बर्थडे पे लगाया था उसको लग रहा है मैं कुछ इसमें करने वाला हूँ, क्योंकि उसको शक तो हो गया है ना, उसको नहीं पता है। उसके लिए मैंने बाहर इतना ग्रैंड सेटअप लगाया हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हो अब इस तरीके से आईपैड लगा के मैं यहाँ पर आराम से मूवीज देखता हूँ। सो मैंने भी चेंज कर लिया, पूरे वैलेंटाइन लुक में मैं आ गया हूँ। नीतू को भी चेंज करने बिठाता हूँ फिर उसको सरप्राइज चली से देता हूँ। नितारा रेडी हो जा, बूमरिंग चल रहा है। मेरा बिल्कुल मन नहीं है, बकवास कर रहे हो तुम। चल रही है? नहीं हाँ है ना, फोटो ले रही इसलिए जा रही हूँ ना, मेरी जाती दीदी भी आ रही है वहाँ और उसके नाम पे आ जाएगी तू, और ये भी रीजन है। चल चल रही है। हाँ। अरे बेटी गाइस मैं रेडी हूँ बिल्कुल जाने के लिए, लगन चलो चले। हाँ मेरा बैग तुझे देखने गया था ना, तैयार हुई या नहीं? मेरा बैग इतना क्यूट, तू बड़ी सुंदर लग रही है। चल चला कहाँ घूम रहे हैं? फिर से बोल। घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे कहीं जा रहे हैं। तो हमारे भोले भाले मित्रों नीतू को मैंने बोला था कि आज मैं इसको कुछ बाहर खिलाने नहीं जाऊंगा, है ना, ऐसे ही बोला था ना। लेकिन उस बाहर का मतलब होटल नहीं था, घर के बाहर छत पे बिठा के खिलाऊंगा। वैलेंटाइन ऐसे सेलिब्रेट करेंगे कुछ अलग। नाटक मत करो, चलो जल्दी। तेरी कसम उधर नहीं जा रहे हम। जल्दी आ जा, रेलगाड़ी बना के चल, आ जा चल चल आ जा। आंखें बंद कर लो, सरप्राइज है तो। पहचान दी, तुझे शक है क्या? हाँ सरप्राइज तो है। वैसे तूने अच्छा आइडिया, आंख बंद कराने का मेरा प्लान नहीं था, बट हाँ आंख बंद कर, आंख बंद रख। अगर कुछ भी बकवास हुआ ना, बकवास मतलब बता दूंगी। नहीं नहीं बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। खोल सकती हूँ अपनी आंखें? अच्छा नीतू इधर चल, इधर चल, इधर चल, आजा घूम ले, घूम ले, घूम ले। अरे नीतू क्या अक्कड़ की तरह क्यों चल रही है, आराम चलना, आंख ही तो बंद है, नशे में थोड़ी है खड़ी रहे, मजा आ रहा है। जिंदू कुछ एहसास हो रहा है तेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है? ठंड लग रही है और कुछ नहीं। अच्छा तू वैसे दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी तो आंख नहीं भी बंद करेगी तो भी कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं तू बंद ही रख, बंद रख, हाँ आंख बंद रख। आ जा आ जा आ जा, एक रुक 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 रुक, पाँच मिनट। अरे यार तुम लोगों ने, अनिकेत भाई क्या कर रहा है, जल्दी से कर इसको यार। उसको मैंने उधर खड़ा कर रखा नहीं तो साइड में, देखा तो अभी गाइस मैंने टाइम पे देख लिया कि कैंडल्स नहीं हमने जलाई हुई थी। ओके सो ऑल सेट, नहीं तो अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। इधर सैंडी भाई पकड़ रखा है मैंने, कर दो कर दो, ऑन कर दो, ऑन कर दो, कर दो टर्न। अरे रुकना, ठीक है टर्न नहीं तो टर्न। अरे ये क्या है? हाँ क्या है ये? वाओ ये तेल लेने किसी और के लिए, मैं दिखा रहे हैं तेरे को, अच्छा लगेगा अगर मैं किसी लड़की को ऐसे दूंगा तो अच्छा लगेगा? मैं तेरे को बस दिखाने आया अप्रूवल के लिए। तुम तो सरप्राइज देना भी तो मुझे वहाँ पर लेके जाना चाहिए था और फिर मेरी आईज ओपन कर। कैसा लगा ये तो बता। बहुत अच्छा, बहुत बहुत बहुत। और फिर कह रही मुझे सरप्राइज देना नहीं आता, इतना सब कुछ किया और उसके लिए तो कुछ भी नहीं कह रही। थैंक यू, इतने ठंडे रिएक्शन। अबे तुम में से किसी ने बता तो नहीं दिया? नहीं तो वो इतने ठंडे रिएक्शन क्यों दे रही है? नहीं मैं खुश हूं, मतलब मैं थोड़ा सा। कैसे खुश हूं क्या? इमोशनल हो गए। तू और इमोशनल, ये और इमोशनल हो जाए। तुम जानते नहीं उसको अभी। फिर अच्छा लगा नीतू? नीतू मैरी मी यार, नीतू नीतू मैरी मी। नहीं यार क्यों, अब बहुत लेट हो गया, मैं किसी और से शादी कर रही हूँ। जा सरप्राइज ले आई, नहीं जा यहाँ से। लाइट ठीक आ रही है? एक सरप्राइज और है वैसे तो, दे दू सरप्राइज।
रोहित भाई व्लॉग लियो जरा, ठीक है? ठीक। सो गाइज सरप्राइज एक और है, सेंटर में है तो सेंटर में है, तो आ जाओ, आ जाओ इधर आ जाओ। हम रील के लिए तो दोबारा बना लेंगे वरना नटक सा करके, ये आप देख रहे हो एकदम रियल है। नीतू सरप्राइज है ये रिंग। सच में? नहीं झूठ में। तुझार कितने की लाया? 50 की? कितने की लाया इसको? 20 रुपए की। अच्छी तो नीचे बैठ के पहनाते हैं लखन। अच्छा नीचे बैठ, मैं नीचे बैठू? अरे नीचे बैठ के पहनाते हैं यार। नीतू मेरी ना जींस बहुत टाइट है यार, क्या बदतमीजी है। मैं रील के टाइम पे दोबारा अच्छे से लूंगा। ओके चलो, कौन सी मिलियन पहनाते? क्या गुंडा बनेगा रे तू? अरे तेरे को नहीं पता। ओके यार एक तो मेरे से बैठा नहीं जा रहा, मैं ओवरवेट हो गया। Will you marry me, Neetu? No. Thank you. अरे रुक जा, खड़ा तो ना, गले कैसे लगाएगी? अब लगा, अब लगा, अब लगा। Thank you. थैंक यू गाइस, थैंक यू। आपने वैसे आपको मैं बताना चाहूंगा, लाभ ला कैमरा दे दे मेरे को यार, ये बहुत प्रीटी रिंग है, ये वही वाली जो मैंने पसंद की थी। हाँ वही है ये, देख ले मैं कितना ख्याल रखता हूँ तेरा। अच्छा पता है आज ही के दिन हम दोनों के रिलेशन को पूरे 3 साल हो गए। अरे हाँ यार आज हमें 3 साल हो गए, पता है तुमको? थैंक यू। आज ही के दिन मैंने उसको पटाया था। नहीं आज के दिन मैंने तो हाँ बोला था, मैंने हाँ भी नहीं बोला था। तभी तो हाँ बोला, ये वैसे यहाँ बोल दिया। तुम तो मेरे पीछे 1 महीने तो पड़े तो हाँ तुमने बोला के हाँ बोल दिया, पटाया तो सही मैंने आज के दिन। तो गाइज मैंने कैसे कैसे बताया वो आप हमें लव स्टोरी में, नहीं लव स्टोरी के तो 3 ही पार्ट आए। नहीं मैं बता दूंगा। शादी के बाद लव स्टोरी पे हम काम करेंगे, पूरे डॉक्यूमेंट्री सीरीज आएंगे। फिलहाल मैं इसको एंजॉय कर लेता हूँ, रील बना लेता हूँ यहाँ की। चल भाई जल्दी दोबारा आ जाओ। ओके गाइस तो रील तो हमारी बन गई है, बहुत सारी अच्छी अच्छी आपने देख भी ली होगी या फिर आप शाम को देख लोगे। चलो तो चलो अब हमारा 1 2 स्टार्ट। तो यार यहाँ हमारा सेलिब्रेशन बहुत अच्छा हुआ, अभी हम चल रहे हैं भाई और मामू के पास क्योंकि 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 आप लोगों ने काफी टाइम से नहीं देखा उनको। गाइस मैं बहुत इम्प्रेस हुई इस सरप्राइज से और मैं अपनी रिंग थोड़ी फ्लॉन्ट करूंगी जो कि बहुत। आप लोगों को सपोर्ट, थैंक यू क्योंकि आपने मुझे बार बार रिमाइंड कराया कि भाई वैलेंटाइन डे स्पेशल बनाना होता है और बना दिया यार। मुझे पता था ना मैं हेयर वॉश कराती कितना ऑयली स्कैल्प हो रहा है, मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, मुझे नहीं पता था इस सरप्राइज के बारे में इतना सा भी। खैर अब जा रहा है मॉम डैड के पास। तो ये चीज मैंने अभी देखी, ये होती है शादी वाले घरों की रौनक, यहाँ पूरे घर में झालर और लाइट लगा दिया। मेरा यहाँ पर आना सिर्फ 4-5 दिन का है, उसके बाद मैं यहाँ पर आ भी नहीं पाऊंगी। क्यों? रस्में स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ रस्में स्टार्ट 24 तारीख से तुम यहाँ पाएगी सर। लेकिन यार क्या सजवाया है भाई। चलो 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 मम्मी पापा के पास चलो। चल तू तो बस आती सबसे पहले दीदी में घुस जाया कर। है मैं पाई नहीं है? ओ शिट पाई कहाँ गए? 24 तारीख में अभी आए नहीं है, आएंगे? अरे यार भाई से तो कब से नहीं मिल पा रहे मम्मी हम। यार भम्मू भाई तो है नहीं पता इतना स्पेशल दिन, आपको पता है मुझे और नीतू को? देखो कंबल में जूते। क्या कंबल में जूते हैं ये? पीछे का। अरे यार मम्मी आप तो किसी की बातों में आ जाओ यार, कैसी हो? ना ना तू ऐसा ही है, बहुत कच्चे कानों की। सड़िया ना तू, सड़िया। पूरी बात सुन लो, आज मुझे और नीतू को 3 साल हो गए एक साथ। आज ही मिले है? मिलना है और आज से हमारे रिश्ते की शुरुआत हुई थी। अच्छा मिलने की कब से हुई? मिलने की तो हुई थी 3 जनवरी। अच्छा 3 जनवरी को आपने इस पर हाथ रखा? मैंने कब रख दिया 3 जनवरी को हाथ? अरे मतलब 3 जनवरी को, यार कहने का मतलब है कि 3 जनवरी को आपको ही पसंद आई। अच्छा आज के दिन तो हमारी फिर सेटिंग हो गई। अच्छा तो बस तो है ना, मतलब कितने दिन का टारगेट है ये देख लो। मतलब यार अपनी माँ की बात मैं टाल दूंगा कोई। टारगेट कितने दिन का रखा? टारगेट 1.5 महीने में। मम्मी देखिए क्या रख रखा है, अपनी वॉच। चलो सही है रिमोट कम से कम है रखा, वरना हर बार वहां से उठा जाना पड़ता है। वेब सीरीज बहुत सी चला दो भाई, सब उधर ही रखूंगी मम्मी। नहीं रखे रखो ना, कौन सीरीज देख रहा, सोने का टाइम है। नहीं चलाऊं फिर? नहीं सो जा आप, तो बहुत बोरिंग हो मम्मी आप। बहुत भूख भी लगी है तो मैंने सोचा पहले मैं खाना खाऊंगी उसके बाद ही दूसरा काम करूंगी। तो सोनी दीदी के पास ही खाऊंगी साथ में बैठ के मिल के। हेलो मोनू, दीदी ने मेरे लिए कुछ ऑर्डर किया है बाहर से। क्या ऑर्डर किया है? आज 14 फरवरी है, मुझे क्या गिफ्ट दे रहे हो? मैं तुम्हें ये पू मेरा ही है, ये देखो इन लोगों को, इनका पूरा टाइम ये चलता है। कितने पैसे मिले तुझे आज लगन के ब्लॉग? आज मुझे 10,000 मिले पूरे। इसको सबसे पैसे मिलते रहते ब्लॉग बनाता है। गुड गुड गुड, बहुत अच्छा लड़का है हमारा। तो आज सोनी दीदी ने तू मेरे खाना लेने गया था? लग गया खाना, उधर बैठ के खा लो ठीक है ना। इधर ले आया यार, सोनी दीदी के पास बैठ के खा पाती हूँ मैं। अगर यहाँ पर आती हूँ तो मैं सोनी दीदी के पास ही खा पाती हूँ, वरना नहीं।
वैलेंटाइन डे विश किया आपने? हाँ वो तो सुबह ही कर दिया, रात के 12 बजे ही कर दिया था। मैं तो उठी थी 12 बजे अलार्म लगा के और मैंने दीदी को विश किया था सबसे पहले। अच्छा आप रेड कपड़े पहन के, और उनका पुणे भी रेड पहने हुए। पुणे कौन से रेड पहने? वो नहीं पहन रखे देखो आप। दीदी आपने रेड क्यों नहीं पहने? रेड नेल पेंट लगाई है दीदी, दिखा दो दीदी। दीदी अब जब तक गूंगी बनी रहेगी जब तक कैमरा रहेगा। ऐ दीदी कर कुछ नहीं, दीदी कुछ एक्टिव हो ना, आप इतनी सैड क्यों हो आजकल? दीदी दुखी है क्योंकि दीदी की एक जो ड्रेस थी वो जल गई, इसलिए। कोई भी ड्रेस नहीं जली है, ठीक है ना? जैसे कि मैंने आपको व्लॉग में बताया था, सुन दीदी मुझे एक सूट गिफ्ट किया था, वो है ये वाला, मैं दिखाती हूँ शादी के बाद पहनूंगी। प्लाजो, ये इसकी कुर्ती कितनी क्यूट है और मैं कितनी क्यूट लगूंगी। देखो यार दीदी ये तो बहुत छोटी साइज की लग रही है, आपने अपने साइज की लगा ली। जब तू अपना साइज देख रहा है तो मेरे साइज का क्यों बनाएगा वो? आपने जानबूझ के बना दिया था कि आपको मैं नहीं पड़े। अगर ऐसा हो गया तो मतलब बहुत अच्छी बात है, तो मतलब भगवान ने चाहा है। पहन के दिखा देंगे बस इसके ऊपर ही? नहीं इसके ऊपर दो दो चीजें बनी अंदर। यहाँ पर रिक्की रिस्की रिक्की आ चुका है। यहाँ से मैं अपनी लाइट्स लेकर जा रही हूँ और कुछ फ्रूट्स यार बचे नहीं है, क्या लेकर जाऊँ समझ नहीं आ रहा। घर चलने का टाइम आ गया है और मेकअप रिमूव करने का भी टाइम आ गया है। एक गेम खेला, हम जा रहे घर, परसों निकले, बाय बाय गुड नाइट। क्या हुआ क्या? मैं कह रहा हूँ अगर भादु भाई का शिनचैन जैसा लड़का हो जाए छोटा सा, उसको मैं ले लूँ। शिनचैन जैसा नहीं है, डोरेमोन जैसा होगा। बड़ा है, मेरे से भी बड़ा है। अच्छा आज का सरप्राइज बहुत 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 ज्यादा अच्छा था और मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे नींद भी बहुत तेज आ रही है। अब चलते हैं सोने, उससे पहले मैं देख रही हूँ मेरे भाई और बहन क्या कर रहे हैं। गाइस हैव यू सीन माय रिंग, व्हाट आर यू डूइंग हियर? गुची तो भैया चप्पल दी। गुची चलो शीरो के पास चलते हैं, चलो शीरो के पास, गेट अप। समझने लग गया, इंटेलिजेंट हो गया। और तू क्या कर रहा है? इस लड़के ने दो दिन से मेरे लिए छुट्टी ले रखी है और मैं इसको टाइम नहीं दे पा रही। आपको ये सरप्राइज कैसा लगा लेखन का? अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ, बाय बाय। और हाँ हमारी पिक्चर पोस्ट होगी आज 12 बजे या 11 बजे, देख लेना इंस्टाग्राम पे और खूब सारी लाइक्स करना। ओके बाय बाय।